हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, सिक्स, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी एमए प्राइवेट 2024 में जो हम करा रहे हैं, एमए प्राइवेट 2024 का चित्रा मॉडल पेपर, उसका ये लास्ट चैप्टर है सिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसका साथियों हमने संपूर्ण मॉडल पेपर अब करा दिया है। ये केवल लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। अभी कुछ ही देर में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें ये रचना वचनाएँ हम कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और शेयर कर दें, ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी से जैसी कोई सूचना आती है और MA पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण कोर्स हम अपने यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर। और CCS यूनिवर्सिटी से जो भी कोई सूचना आती है हम अपने YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं। और आप इसकी PDF को जो हम करा रहे हैं, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं MA सेकेंड ईयर 2024 CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचार, ये आपका लास्ट टॉपिक है सिक्स पॉलिटिकल साइंस, जिसका पेपर कोड है 371, पेपर कोड है 371, पाश्चात्य राजनीतिक विचार, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको इम्पोर्टेंट कराएंगे, यह पढ़ लिया तो पेपर पास। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप हमारा संपूर्ण वीडियो देख लेते हो तो आप एक अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चैप्टर सिक्स में RH टोनी एंड फ्रेडरिक हायक, ये दो पढ़ने हैं, RH टोनी और फ्रेडरिक हायक, जिसमें ये चैप्टर है सिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज इतिहासकार थे, क्या अंग्रेज इतिहासकार थे, कौन थे, हर्बर्ट विलियम्स या रिचर्ड वेनिसन या रिचर्ड हेनरी टोनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिचर्ड हेनरी टोनी, रिचर्ड हेनरी टोनी अंग्रेज इतिहासकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दो, टोनी का जन्म हुआ था, टोनी का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में, भारत में टोनी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीन, टोनी के पिता किस भाषा के समग्र थे, टोनी के पिता किस भाषा के समग्र थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा के समग्र यानी समर्थक थे या समग्र थे। क्वेश्चन नंबर चार, सामाजिक प्रजाति भेदभाव के विरुद्ध थे, सामाजिक प्रजाति भेदभाव के विरुद्ध थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड हेनरी टोनी, किसके, सामाजिक प्रजाति भेदभाव के विरुद्ध थे, कौन, रिचर्ड हेनरी टोनी, ये सामाजिक प्रजाति भेदभाव के विरुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर पाँच, सोशलिस्ट बाइबिल किसकी रचना है, क्या कि सोशलिस्ट बाइबिल किसकी रचना है, तो ये टोनी की रचना है। क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर ऑप्शन ए, टोनी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इक्वेलिटी किसकी रचना है, तो इक्वेलिटी टोनी की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सात, सत्ता व सत्व के मध्य अंतर स्पष्ट किया, सत्ता व सत्व के अंदर यानी कि मध्य अंतर स्पष्ट किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोनी ने, टोनी ने सत्ता व सत्व के मध्य अंतर स्पष्ट किया। क्वेश्चन नंबर आठ, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हायक, हायक एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर नाइन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान हुआ, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक हायक को, फ्रेडरिक हायक को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर दस, किनसियन विचारों के विरोधी थे, क्या
किन्सियन विचारों के विरोधी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक हायक। फ्रेडरिक हायक किन्सियन विचारों के विरोधी थे, किन्सियन। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवाद के विरोधी थे, समाजवाद के विरोधी हायक थे, कौन? हायक समाजवाद के विरोधी थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हायक। क्वेश्चन नंबर 12, द रोड टू सर्फडम किसकी रचना है? द रोड टू सर्फडम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हायक की। हायक की रचना कौन सी है? द रोड टू सर्फडम किसकी रचना है? हायक की। क्वेश्चन नंबर तेरह, आर एस टोनी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इन्होंने कुछ समय तक राजनीति शास्त्र में अध्यापन का कार्य किया। एक बार फिर से देख लें कि इन्होंने कुछ समय तक राजनीति शास्त्र में अध्यापन का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेडरिक हायक के संबंध में, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेडरिक हायक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1978 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया, लेकिन नहीं, यह कथन सही नहीं है। सन 1978 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए साथियों, ये थे आज के क्वेश्चन। आज हमने ये आपका पूरा मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए यहीं तक, धन्यवाद साथियों।